बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे कोजी सैन के इस कोजिक एसिड सोप के बारे में। ये जो है वो मैंने daraz.pk से ऑर्डर किया था। इजीली पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाता है, बट ओरिजिनल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने इसको काफ़ी सर्च किया और उसके बाद इसको ओरिजिनल जो है वो ऑर्डर किया। मैं पहले भी इसको यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे इसका डिफरेंस जो है वो अच्छे तरीके से पता है कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा नहीं। तो जिस सेलर से मैंने इसको ऑर्डर किया था, उन्होंने मुझे इसको सेंड करने से पहले बता दिया था कि उनके पास वन पीस में जो सोप्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो उन्होंने 3 का पैक जो है वो ओपन करके उसमें से मुझे एक सोप भेजा। ये बात जो है वो मुझे सेलर की काफ़ी अच्छी लगी। अब हम बात करते हैं कि कोजिक एसिड क्या है और हमारी स्किन के ऊपर किस तरह से बेनिफिशियल है। कोजिक एसिड जो है वो जापान में एक मशरूम के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये स्किन वाइटनिंग के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कोरियन स्किन केयर में भी कोजिक एसिड को एक ख़ास अहमियत हासिल है, बिकॉज़ ये आपकी स्किन को पील करता है, आपकी डेड स्किन को पील कर देता है, आपके सन स्पॉट्स को ख़त्म करता है, सन डैमेज को ख़त्म करता है, आपके जो ब्लैक हेड्स हैं उनको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है। एंटी फंगल एंड एंटी सेप्टिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, जिसकी वजह से आपके फेस पर अगर एक्नी हो रहा होगा, चाहे वो पस वाले हो या नॉर्मल दाने हो, ये ईजिली ड्राई आउट कर देता है। सनबर्न के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपके सनबर्न हो गया है बॉडी पर किसी भी जगह हो, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। बट इसको यूज़ करने का एक तरीका है, बिकॉज़ अगर आप इससे अपने फेस को वॉश कर देंगे, फ़ौरन ही इसको हटा देंगे अपने फेस से, तो ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। बिकॉज़ कोई भी चीज़ आप अपने फेस पर लगाएं, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो मॉइस्चराइजिंग लोशन हो, या चाहे वो कोई भी फेस मास्क हो, जब तक आप उसको थोड़ी देर अपने फेस पर रहने नहीं देंगे वो काम नहीं करेगा। इसी तरह इस सोप का भी है। कोजी सैन के जो है वो सोप के अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इंशाल्लाह मैं यूज़ करूँगी, तो उनका रिव्यू जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल इस सोप की बात कर रही हूँ। ये सोप जो है वो मैंने पहले भी बहुत दफ़ा यूज़ किया है, तकरीबन इसके 2 से 3 बार मैंने फिनिश किए हैं। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए। आप इसको अपने पूरी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं एंड सिर्फ फेस एंड हैंड्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इक्वली बेनिफिशियल है आपकी पूरी बॉडी के लिए। इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद ही आपको इसका इफ़ेक्ट जो है वो दिख जाएगा कि ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक दफ़ा की यूज़ से ही ये आपकी स्किन को काफ़ी हद तक ब्राइट कर देगा, बिकॉज़ ये आपकी स्किन की डेड सेल्स को हटा देता है एक वॉश के बाद ही, जिससे आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट अपने फेस पर जो है वो देखने को मिलेगा। इस सोप को जो है वो हर तरह की स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल है तब भी, कॉम्बिनेशन है जब भी, ऑयली है जब भी, हर तरह की स्किन के लिए बेनिफिशियल है। बस सेंसिटिव स्किन वाले जो हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, बिकॉज ये एसिड है, अगेन ये एसिड है, तो हो सकता है आपको हल्की सी रेडनेस वगैरह दे जाए, बट उनके ऊपर भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देता है। सेंसिटिव स्किन वाले इसको सिर्फ सनबर्न वगैरह हटाने के लिए, लाइक स्पॉट्स बन जाते हैं हमारे फेस पर दानों के, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं सन रेज़ की वजह से जो हमारे पड़ जाते हैं धब्बे फेस पर, उसको हटाने के लिए इसको यूज़ कर लें। वैसे रेगुलर यूज़ ना करें, बट नॉर्मल स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले एंड ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त है। ऑयली स्किन वाले तो इसको दिन में 3 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, उनको कोई साइड इफ़ेक्ट जो है वो सोप का नहीं होगा। ये फेस पर यूज़ करने वाला सोप है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये ऐसे ही पड़ा ना रहे। आप इसको जो है वो किसी बाउल में रखकर किसी सेफ़ जगह पे रखें जहाँ पानी ना जाता हो, बिकॉज़ ये पानी से बहुत जल्दी घुलता है। अगर आप इसको सिर्फ फेस पर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको छोटे टुकड़ों में काट कर रख सकते हैं, बट अगर बॉडी पर यूज़ कर रहे हैं तो पूरा सोप ही जाहिर से बात है यूज़ होगा। अगर आप फेस पर कर रहे हैं तो छोटे टुकड़ों में काट लें और इसको किसी सेफ़ जगह पर रखें, फेस पर अप्लाई करें, 2 से 3 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद वॉश कर लें। ड्राई स्किन वालों को अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई कर रहा है आपकी स्किन, तो आप इसको यूज़ करने के बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें, और आप इसको दिन में 1 दफ़ा यूज़ करें, या तो मॉर्निंग में यूज़ कर लें या इवनिंग में कर लें। इवनिंग में कर लें तो ज़्यादा अच्छा है फेस पे। इसको यूज़ करने के बाद आप अपना कोई भी मॉइस्चराइज़र या नाइट क्रीम जो लगाते हैं वो लगा सकते हैं। सनस्क्रीन आपको इस सोप को यूज़ करने के बाद मस्ट यूज़ करना है, अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है या सेंसिटिव है तो। और सनस्क्रीन तो वैसे भी हर तरह की स्किन टाइप वालों को यूज़ करना ही चाहिए रेगुलर। अब हम बात करते हैं इस सोप की प्राइस की। तो ये सोप जो है वो आपको 1350 से लेकर 1500 तक इजीली मिल जाएगा ऑनलाइन शॉप्स का। मुझे नहीं पता कि कहाँ मिलता होगा, बट ये मैंने ऑनलाइन ही देखा है। बट ये चीज़ जो है वो आपको मेक श्योर करनी है कि आप जिससे भी ये सोप ले रहे हैं वो सेलर जो है वो सही है या नहीं, मतलब आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है वो बेच रहा है या नहीं, बिकॉज़ फेक प्रोडक्ट्स भी इसके बहुत आते हैं। कोजी सैन के बहुत प्रोडक्ट्स हैं जो फेक भी आते हैं मार्केट में, तो कोशिश कीजिए कि ओरिजिनल लीजिए, वरना अगर आप फेक लेंगे तो आपकी फेस को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। बट अगर आप ये कोजी सैन सोप जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको ये प्राइस जो है वो हाई लग रही है, तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वाइटनिंग सोप्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं।
लाइक मैंने कोजी सेन के अलावा भी कुछ वाइटनिंग सोप जो हैं वो यूज़ किए हैं, कुछ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जो थोड़े से आपको अफोर्डेबल लगेंगे और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। उनका रिजल्ट जो है वो इससे मिलता जुलता है, बट ये जो है वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी इफेक्ट देता है, वो थोड़ा स्लो इफेक्ट देते हैं, बट रिज़ल्ट जो है वो दोनों का सेम ही आता है। अगर आपको कोजी सेन सोप मिल जाए तो आप वो ले लीजिए, वरना आप कोई और भी सोप ले सकते हैं जो वाइटनिंग सोप हो, जिसके इंग्रेडिएंट में ग्लूटाथायोन हो या कोजिक एसिड हो या नाइसिनामाइड हो, ये सारे जो है वो वाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। इस सोप को यूज़ करने के अलावा या इस तरह के और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के अलावा, अगर आप अपनी लाइफ में से टॉक्सिक लोगों को हटा देंगे, खुश रहेंगे, तो भी आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी यहीं तक थी। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी स्किन केयर हेयर केयर टिप रिव्यू या ब्लॉग के साथ। जो सोप मैंने आपको बताया है वो और कोजी सेन, इन दोनों का लिंक मैं नीचे तो चेकआउट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।